पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल, कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर दो कांवड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी दो पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में दो लोटे जल के, दो कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है जिसमें जया विषहरा शामली बारी दौतली और देव शंकर भगवान की पांच बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं, जब हम जल समर्पित करते हैं हमारे पीढ़ी में परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं, जम के बोलो जरा। नाग पंचमी, नाग पंचमी का मतलब क्या है, सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में हमारे कुटुंब में कोई साथ कुटुंब में परिवार में कोई सात पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। इसको मुक्तता का इसको मोक्ष का कहा। ये मोक्ष इसी को कहेंगे कि ये मोक्ष।